दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ही YouTube चैनल मनी गुरु डिजिटल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कसाना जी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उन्होंने ये मेरा वीडियो कुछ दिनों पहले मैंने डाला था, जिसमें लगभग आधे घंटे का वीडियो था और इस पर मैंने पूरी डिटेल में जो है कसाना जी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करी थी। 3 महीने हो गए थे और 3 महीने के बाद में कसाना जी बस घुमाए जा रहे थे। तो फाइनली जो है मैंने एक वीडियो डाल दिया और उसके बाद में कसाना जी के यहाँ मीटिंग चलने लग गई, डिसीजंस होने लग गए, जल्दी जल्दी काम होने लग गया और बहुत सारे कुछ अच्छे डिसीजन लिए, कुछ जो है अभी पेंडिंग है। तो उसी के विषय में हम बात करेंगे कि क्या जो है आगे क्या आप लोगों के लिए इसमें अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, जिससे आपको बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। जैसे रिसेंटली मैंने जो है आपको बताया था कि मैंने कैसे 3 दिन में सिर्फ जो है एक अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट करके, एक बहुत ही रिप्यूटेड कॉइन जो था उस पर इन्वेस्ट करके कैसे अपनी जो अर्निंग है उसको जस्ट डबल किया सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर पैसा आपको डबल करने में इतना टाइम नहीं लगता है क्रिप्टो करेंसी में, जितना टाइम जो है LCC कॉइन हमारा ले रहा है। बस चीज़ें चलती जा रही हैं, टाइम निकलता जा रहा है, हमारी अर्निंग नहीं हो रही है। जिन लोगों ने 5,000 3 महीने पहले लगाए थे, आज उनसे पूछिए कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि 3 महीने में भी उन्हें जो है उनके पैसे का रिटर्न नहीं आया। और जब बात करें रिटर्न आने की, आपने बिटलाइट एक्सचेंज में हमें बोला कि आप वहाँ कॉइन भेजो, उसके बाद में वहाँ से जो है पैसे विड्रॉल करना, बिटलाइट में रजिस्टर करना। एक बहुत आदमी खुश हो गया कि यार चलो बहुत अच्छा हो गया और कसाना जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पर कसाना जी का मोटिव कुछ और ही था यहाँ पे एक्चुअल में। पर जब उन्हें उनकी चीज़ें पकड़ा गईं, जब उनकी पोल खुल गई कि ये उनका ही एक्सचेंज है, तो फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि भैया अब तो कुछ हाथ में बचा नहीं है, चलो रिफ़ंड की बात कर देते हैं, जिनको करना हो तो रिफ़ंड ले लें। रिफ़ंड लेना भी दोस्तों इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट पे किया था, उनके लिए तो ठीक है, पर जिन्होंने लीडर्स से करवाए थे, किसी ने 5 दिए, किसी ने 7.5 दिए, किसी ने कुछ दिया, उनके पास में क्या प्रूफ है? वो किससे बात करें, किससे, कौन से लीडर से बोलें, वो डिटेल क्यों निकाल के देगा? इतना टाइम अब किसके पास में है कि वापस से पुरानी चीज़ों को खोदे, गड़े मुर्दे उखाड़े और वहाँ से आपको रिसिप्ट अपलोड करे, फिर उसके बाद आपको 10 बार फ़ोन करे, तब जाके आपका प्रोसेस होगा, फिर उसमें भी 10 नाटक होंगे। तो ये चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं है जितनी आसानी से कसाना जी ने अपने ऑडियो में कह दी है। चलिए मैं आपको कसाना जी का ऑडियो सुना देता हूँ, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? भाई दो चीज़ें हो रही हैं कल से। एक तो कल शाम को विड्रॉ वाला बटन का ऑप्शन आ जाएगा, अपने BTC जितने भी आप लोगों के बने हैं सेल आउट करके विड्रॉ कर लेना, प्लस में एक रिफंड वाला ऑप्शन और आ जाएगा भाई। जो भी ये ग्रुप्स में नेगेटिविटी, या इसे नेगेटिविटी तो नहीं बोलूँगा यार, खैर जिसका भी जो भी मन में आता है वो बोलने चला जाता है, मनीष कसाना ने पैसा मार लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई भाई ना पैसा कल मारना था ना आज मारना है, कमा के देने के लिए बैठा हूँ और कमा के ही दूंगा भाई। जिसमें सब्र है वो सब्र कर सकता है भाई, हर चीज़ में टाइम लगता है, मेरी सिस्टम में भी टाइम लगा है। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को पता है कि क्यों हुई है, लेकिन नहीं आ रहा है समझ में, नहीं सिस्टम समझ में आ रहा है भाई। कल शाम तक वेबसाइट पे ना एक रिफंड वाला ऑप्शन आ जाएगा भाई, पैसे किस मोड से दिए गए हैं, किस तरह से दिए गए हैं, स्लिप अपलोड कर देना भाई, ट्रांजेक्शन अपलोड करनी हो ट्रांजेक्शन अपलोड कर देना, पैसे किस मोड से दिए गए, अपनी ID नंबर बता देना, कौन कौन सी ID के अगेंस्ट में दिए गए हैं, कौन सी डेट में दिए गए हैं, ये डिटेल होंगी, कुछ डिटेल वो भर देना भाई। रिफंड वाले ऑप्शन पर चला जाना, आपका अमाउंट आपको वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा, मुझे किसी का पैसा नहीं मारना भाई, ठीक है? जिस मोड से पैसे दिए गए थे उसी मोड से पैसे वापस ले लेना भाई, कोई इशू नहीं है, किसी भी तरह का स्लिप अपलोड कर देना और पेमेंट अपनी आप वापस ले लेना, ठीक है? ये तो होगा रिफंड वाला ऑप्शन, जो मतलब मैंने आज तक नहीं बोला था, पर अब मुझे बोलना पड़ रहा है भाई, क्योंकि मैं नहीं सुन सकता यार। मैं भाई नाम ही कमाने आया था सच में, और वो नाम ही धूमिल होता जा रहा है, जो लोग बोलते जा रहे हैं कुछ भी, जिस ये पैसा मार लिया वो पैसा नहीं मारा यार, किसी का पैसा नहीं मारना भाई, 1 रुपया नहीं मारना किसी का, कमा के देने के लिए आया था और कमा के ही दूंगा। नहीं है सफर, नहीं हो रहा यकीन, नहीं आ रहा मेरे काम पे भरोसा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप अपना अमाउंट वापस ले सकते हो, ठीक है? रिफंड वाला ऑप्शन कल आ जाएगा, अपनी अपनी पेमेंट मोड, जिस भी मोड से भेजा गया था उसकी पेमेंट की स्लिप हो, आपकी पासबुक की ट्रांजेक्शन रिसिप्ट हो, आपका
कोई स्क्रीनशॉट हो कुछ भी हो उस पर अपलोड कर देना, वेरिफिकेशन के बाद आपको जो भी टाइम दे जाएगा उस अमाउंट पर आपका अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और बस भाई अभी तो यही बोलना है, कल विड्रॉ। तो आप लोगों ने सुन लिया कि अब कसाना जी जो है विड्रॉल देने के लिए तैयारी में हैं। दरअसल वो विड्रॉल क्यों दे रहे हैं उसका रीज़न मैं आपको बताऊं। रीज़न ये है दोस्तों कि कई लोगों ने जो है अपने कॉइन को बिटलाइट पे सेल कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे कॉइन पे यहाँ पे आए और रेट देखिए, अभी भी LCC का मैं आपको दिखा दूँ रेट यहाँ पर क्या चल रहा है। और देखिए रेट जो है अभी का प्राइस जो है यहाँ पर लगभग 1865-1990 इधर देखा जाए तो सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं। और इसका रेट अगर अपन जाके देखें तो ये होते हैं 27.8 रुपीज़। तो किसी के पास में अगर कॉइन है तो यार 27 से क्यों नहीं सेल करेगा, वो तो ला के बिटलाइट पे ही सेल करेगा ना। प्रॉफिट जहाँ होगा, सबको पता है कि प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा होगा वो वहाँ सेल करेगा। देखिए अभी मेरे पास में जो BTC हैं यहाँ पर 0.1 BTC पड़े हुए हैं, और ये 0.1 BTC अगर मैं देखूं तो लगभग 166,000 रुपये के हैं। और इसमें मैं बता दूं 0.5 BTC मेरा गायब है, 0.05 BTC गायब है जिसका मैंने विड्रॉल लगाया था, आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था। अगर वो ऐड हो जाता है तो यहाँ पे लगभग मेरे पास में 2 लाख से 2.5 लाख के कुछ कॉइन जो है मेरे पास में पड़े हैं बिटकॉइन। तो अगर मैं अब कसाना जी से ये कहूँ कि कसाना जी मुझे इसका विड्रॉल चाहिए, आप इसके लिए वर्क करो, तो कसाना जी अब इसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कॉइन सेल किया है उनके कॉइन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके कॉइन के बारे में कोई बात नहीं हो रही। अब जो बात हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि अब जो आपको कॉइन मिलेंगे वो 1 रुपये से कॉइन जो है कंपनी लेगी, अब जो ROI आएगी। इसके पहले 3 महीने की पहले जितने हमने इकट्ठे किए, जितने जहाँ जो किए, वो सब गए हमारे पानी में, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है और उसका कोई हिसाब नहीं है। बिटलाइट जो है मैंने प्रूफ कर दिया था, देखिए यहाँ पे ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉरगेट पासवर्ड जब करते हैं, जिन्होंने किया होगा उनके पास में प्रूफ भी होगा। इन्होंने ये जो है मेल कर रहे थे bitlight.io से, जबकि ये lightpool.uk से मेल आ रहा है, पर उसमें यहाँ पे हेडिंग पे जो नेम है bitlight.io कर रखा था। तो ऐसा कभी आप लोगों ने सुना है कि मोदी जी फ़ोन करें और बोले मैं बराक ओबामा बोल रहा हूँ, ऐसा कभी होता ही नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली तरीके हैं। तो ये bitlight.io से आया है, इसका मतलब है कंपनी कहीं ना कहीं तो bitlight.io से जुड़ी है। और बिटलाइट भी जो है इंडिया से ऑपरेट हो रही है, इंडिया में ही पूरा उसका जो है ट्रैफिक है। इसका मतलब है कि आपको पता चला है कि बिटलाइट नाम की कोई चीज़ है, तो आपको कैसे पता चला? दूसरे लोग, हम भी इतने टाइम से जो है क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहे हैं, पर हमें तो आज तक पता ही नहीं चला कि बिटलाइट नाम की चीज़ भी है। तो ये जो है एक्सचेंज है, और दूसरी यहाँ पे जितनी भी करेंसीज लिस्टेड हैं इनका कोई वजूद नहीं है, ये सब ऐसे ही हैं, फर्जी हैं सब, मतलब लाई गई हैं, दिखाया जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से जिम्मेदारी उन्होंने पूरी हटा ली है। अब कसाना जी के पास में अच्छा ऑप्शन यही है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे थे उनको बस बोल दिया जाए कि भैया आप अपने पैसे ले लो, 5,000 रुपये में खुश रहो। तो ये उन लोगों के लिए सही है जिन्होंने कोई टीम वर्क नहीं किया, जिन्होंने 5,000 डाले, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो अपना पैसा यहाँ से रिफ़ंड कराएँ और मार्केट से बाहर हो जाएँ। LCC में आपको आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा, यहीं से आप जो है अपने पैसे लेके और दूसरे जगह पे लगा लें, वहाँ पे आप सेफ रहेंगे। पर जो लीडर्स हैं जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी टीम है, उनका क्या होगा, उनके कॉइन्स का क्या होगा? मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए के कॉइन सेल किए, चलो मैंने अगर मैंने 7-8-10 आइडिया भी ली हैं और उसमें पैसे लगाए हैं, अगर मेरे को ये पैसे अभी मिल जाते हैं तो मैं कितना अच्छा होगा मेरे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होगा। पर ये कसाना जी को पता है कि यहाँ से अब विड्रॉल देना उनके हाथ में नहीं है, अगर वो दे देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे वो, है ना। तो अब जो है उन्होंने फाइनली जो है ये ऑडियो में बोल दिया कि आप जो है अपना रिफ़ंड ले लो, मैं इज्जत कमाने के लिए आया हूँ। तो सर जब मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ तो आप मान क्यों नहीं रहे हो? लाइट आपका ही है, लाइट पूल भी आपका ही है, बिटलाइट भी आपका ही है, आप मानो ना उस चीज़ को, उसको डिनाई क्यों कर रहे हो? तो चलिए कोई बात नहीं, अब उन्होंने इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आप लोगों के लिए क्लियर है कि आपका जितना भी कॉइन था, लगभग 8,000 कॉइन मैंने भेजे बिटलाइट पे, वो 8 के 8,000 कॉइन जो है मेरे वेस्ट हो गए, ज़ीरो हो गए, उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है और ना ही हमें मिलेंगे। तो
ये एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ी बुरी खबर है आप लोगों के लिए, जो भी जिन्होंने भी बिटलाइट में सेल किया है। बिटलाइट में लोगों ने दो दो तीन तीन BTC भी बना लिए। अब दो BTC देना तो कसाना जी के हाथ में नहीं रहा, और ये एक्सचेंज वाला अगर कोई रियल होता तो देता, रियल है ही नहीं तो क्या देगा वो, रियल तो कसाना जी है ना, कसाना जी ने हाथ खड़े किए हुए हैं, तो ये तो हाथ से गया। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके हिसाब से जो दे रहे हैं। देखिए 175 कॉइन आपकी ROI में आनी चाहिए, जो कि 10% कट के आती है, तो 157 कॉइन होते हैं वीकली। एक रुपये से अगर ये लेते हैं तो 628 रुपये मंथली मिलेगा आपको, और इन्वेस्टमेंट अगर 5000 रुपये है तो आपको लगभग 8 महीने लग जाएंगे वो 5000 रुपये निकालने में। तो जिन जिन की सिंगल ID हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भैया आप अपना रिफ़ंड के लिए अप्लाई करो, पैसे लो और छोड़ो, 8 महीने के लिए क्यों वेट कर रहे हो। पर यहाँ पे उनके लिए जिनके पास में टीम वर्क था, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास में अभी कितने कॉइन पड़े हैं, लगभग वर्किंग वॉलेट में 20,000 कॉइन पड़े हुए हैं, 1315 यहाँ पे हैं। तो 20,000 जो कॉइन हैं उसका क्या अचार डाल दें भाई जी हम, तो ये कसाना जी को बताना है कि क्या करना है। कसाना जी ने बोला है कि अभी और भी टाइम होगा, बढ़ेगा रेट और एक्सचेंज आएगा, वहाँ पे 1 से करो 10 से करो। तो यार 10 रुपये से आप एक्सचेंज पे रेट क्यों बढ़ाओगे, अगर देना ही होता तो आप यहाँ पे विड्रॉल दे देते, बिटलाइट पे ही दे देते ना, 10 रुपये 20 रुपये में तो यहाँ पे बिक रहा है, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हो। आपके एक्सचेंज पे 10 रुपये आप जाने ही नहीं दोगे कभी, लिख के ले लो, अगर जिस दिन चला गया ना तो उस दिन बताना, सारी आइडियाँ आपको दे दूंगा मैं। और 10 रुपये चला गया तो आप विड्रॉल नहीं दे पाओगे वहाँ पे भी लोगों को, बस विड्रॉल में भी नाटक होगा क्योंकि लोगों के पास इतने कॉइन है। और दूसरी चीज़ तो इसका ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ये अभी तक ऑप्शन आया ही नहीं हमारे पास में कि वर्किंग वॉलेट को हम भेज सके, नहीं तो अभी तक तो लोगों ने कितने कॉइन भेज दिए होते, अच्छा हुआ वो बच गए। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ये 1 रुपये वाला मैटर है, 1 रुपये वाला जो इनका ऑप्शन है वो तो बिल्कुल फ्लॉप है और कुछ नहीं होने वाला है, बस आपका पैसा फंसा रहेगा। दूसरी बात कर लें, कसाना जी ने प्रीवियस वीडियो में बात किया है डिमांड और सप्लाई का, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। दोस्तों रेट बढ़ाएंगे, रेट बढ़ाना तो सर आपके हाथ में है, डिमांड डिमांड की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। आप बोलो आज 10 रुपये करना है तो 10 रुपये कर दोगे, सब आपके हाथ में है। डिमांड कहाँ से बढ़ती है, डिमांड कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बताऊँ। आपका प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, टीम आपकी बढ़िया होनी चाहिए, तब आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है, तब लोग उससे जुड़ते हैं। इंडिया के लोगों के अलावा आपका कौन, कितने मेंबर हैं बताइए, आप इंडिया के बाहर आपने जुड़े हों, 10 के नाम भी बता दो तो मैं जान जाऊं। वो जो दुबई उबई वाले जितने भी हैं ना, वो सब इंडिया के लोग ही जो हैं जाके बैठे हुए हैं और उन्होंने पैसे लगाए हैं, तो वो कोई फॉरेनर नहीं कहलाए। फॉरेनर वो मतलब जिन्होंने आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट में आके पैसा लगाया हो, ऐसे कोई होगा ही नहीं आपके LCC पे। कॉइन की टेक्नोलॉजी क्या है आपकी, दूसरी कॉइन की टेक्नोलॉजी कुछ अच्छी है क्या, मुझे तो नहीं लगता कुछ भी दम है आपके कॉइन पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन जानेगा, जब आप उसको बाहर प्रमोट करोगे, आपके कॉइन का प्रमोशन होगा तो जानेंगे। आप प्रमोशन ही नहीं कर रहे हो कुछ भी, बस पैसा आ गया बस हो गया, उसको कहीं कार बांट रहे, कहीं बाइक बांट रहे, और उसमें भी बहुत सारे लोगों का बचा हुआ है यार। वो बांटने से बेटर है कि आप जो है MLM में जो खर्चा कर रहे हो ना, जो लोगों को दिखा रहे हो, दिखाने से ज़्यादा काम पे करो फोकस, तो आपको ज़्यादा सही होगा, आपके लिए फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए आपका, तब तो डिमांड बढ़ेगी। जब एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं होगा, कोई जानेगा ही नहीं, इंडिया के बाहर लोग जानेंगे ही नहीं, तो कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा, कौन क्या करेगा यार। कॉइन मार्केट कैप में अच्छी रैंक होनी चाहिए आपका। जब कॉइन मार्केट कैप में 3 महीना बीत गया, अभी तक क्यों नहीं आया कॉइन मार्केट कैप में, आपके कॉइन में दम होगा तो आएगा, दम नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। आप कब तक करोगे, कितने दिन तक बेवकूफ़ बनाओगे, 6 महीने में भी आप कॉइन मार्केट कैप में नहीं ला पाओगे, आज लिख के ले लो यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती है डिमांड और सप्लाई के लिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई डिमांड बनेगी इसकी और कोई सप्लाई, कुछ भी नहीं होना जाना है, बस सिर्फ कहने की बातें हैं। आज आप लोगों ने आपने इतना परेशान कर रखा है तो डिमांड क्या बढ़ेगी, लोग तो जितना चाहे जल्दी चाहें चाह रहे हैं कि यहाँ से पैसे लेके निकलें। ऐसा आपने माहौल ही नहीं क्रिएट किया कि लोग होल्ड करें, लोग क्यों बेचने को वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि उनका पैसा फंस गया है यहाँ पे। आप ऐसा माहौल क्रिएट करो। आपके लिए मैं कुछ जो है क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, जिसके जो रेट है, जो आपको जवाब हैं, वो आप थोड़ा सा ध्यान दे के मुझे नेक्स्ट ऑडियो में दीजिएगा। ये मेरे नहीं, ये लोगों के सवाल हैं, कुछ आसान सवाल कसाना जी आपके लिए। रेट कैसे बढ़ेगा LCC कॉइन का, ये हमें बताएं। डिमांड सप्लाई के लिए तो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा क्या ऑप्शन है, आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि LCC का रेट बढ़ेगा। आपकी वेबसाइट से कोई सामान क्यों खरीदेगा, 2 रुपये में जाके
अपने कॉइन को 2 रुपये में वहाँ पे क्यों बेचेगा, 2 रुपये से सामान क्यों लेगा, वो भी ऐसा सामान जो कि जिसमें कोई क्वालिटी नहीं हो और उसके रेट इतने ज़्यादा हों। अगर मैं कोई एक गॉगल लेने जा रहा हूँ और उसका रेट आपने 999 रखा हुआ है और वो 2 रुपये से जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2000 रुपये का वो गॉगल है। तो उससे बेटर है ना कि हम जाके कहीं नीचे यहीं की मार्केट से ले लें, उससे बढ़िया मिल जाएगा, सेम क्वालिटी मिल जाएगी। कौन सा रेबन का आप वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो? फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी LCC को लेके, जिससे लोग इसको जाने, लोग पहचाने और आपको LCC का रेट बढ़े, ऐसी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, ये आप हमें थोड़ा सा बताएं, तो हमें भी समझ में आए कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमारे भेजे हुए LCC कॉइन का क्या होगा, वो हमें वापस मिलेंगे या नहीं? जिस भी एक्सचेंज में हमने बिटलाइट पे सबसे ज़्यादा भेजे हैं, सोलोमन पे भेजे हैं, LCC में भेजे थे, उनका क्या होगा? क्या आप वो हमें वापस दोगे हमारे LCC की ID पे, या वो हवा हवाई हो गए, बस गए काम से? बिटलाइट एक्सचेंज जो आपका है उसको क्या अब हम भूल जाएं, या हमारे BTC जो वहाँ फंसे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, क्या डिसीजन ले रहे हैं, किसको मेल कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कुछ तो डिस्क्लोज़ करिए, कुछ तो बताइए। आशा करता हूँ आपको अगले वीडियो में इसका जो है जवाब आप ज़रूर देंगे, और बस यही क्वेश्चन थे आपके लिए, और जितना अच्छा हो आप करें, बस मुझे यही उम्मीद है, क्योंकि देखिए आपको, आपके ऊपर लोगों ने आंख बंद करके भरोसा किया है और उस भरोसे को ना तोड़ें। आपने ये जो BTC की बात करी है, जब BTC यहाँ पे आएगा तो ट्रांजेक्शन चार्ज भी दोस्तों यहाँ पे कटेगा आप लोगों का, और जब 156 रुपये आप यहाँ से भेजेंगे ना, तो ब्लॉकचेन में पहुँचते आपके पास में पता चला 56 रुपये ही पहुँचेंगे, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। पेटीएम और वो सब चीज़ों की बात अलग है, वो जब आ जाएगा तब मानिएगा, अभी एकदम से नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करना है। कसाना जी, आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जो जो मैंने पॉइंट बोले हैं इनके आंसर दीजिए, लोगों को बताइए, जिससे लोगों को आपके LCC में फेथ आए, लोगों को फेथ बढ़े। सिर्फ आपके ऑडियो लाने से फेथ नहीं बढ़ रहा है, आप कर क्या रहे हैं, आप अपने वर्क को दिखाइए लोगों को, तब तो लोगों का फेथ आपके LCC पे बढ़ेगा, तब तो डिमांड बढ़ेगी, तब तो सप्लाई का इशू आएगा। जब डिमांड ही नहीं आएगी तो सप्लाई क्या, अभी तो लोग तो सेल करने पे ही बैठे हुए हैं ना, क्योंकि लोगों को पता है कि आपके कॉइन में कितना पावर है। अगर बात करें बिटकॉइन की और बात करें LCC की, तो लोगों को पता है बिटकॉइन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है, कॉइन मार्केट कैप में 1 है वो, अपने आप में एक 1 कॉइन है और एक अलग ही पहचान रखता है। तो ऐसा आपके LCC में क्या है जिससे लोग आपके LCC में इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, ऐसा क्या करना है आप वो थोड़ा सा लोगों को बताएं, जिससे लोगों को फेथ बढ़े और होल्ड करें। होल्ड ऐसे कोई भी नहीं करेगा, ऐसे में तो लोग बस सेल करने की ही सोचेंगे। होल्ड कब करेगा, जब उसे लगेगा कि यार इस कॉइन में पोटेंशियल है, इस कॉइन, ये कॉइन हमें दे सकता है। देखिए आज हमें लगा था, अभी कुछ दिनों पहले हमें जब बिटलाइट पे हम भेज रहे थे तो हमें लगने लगा था कि नहीं, जो LCC है वो हमें आगे प्रॉफिट बहुत अच्छा दे सकता है, और हमने उस होल्ड करने को बहुत अच्छा माना और हम सोच रहे थे कि हम होल्ड करें। हमने यहाँ पे धीरे धीरे करके सेल करने चालू किए और हमें जो रिटर्न मिला, उसके बाद में जब विड्रॉल का इशू आया तब ये बात खड़ी हुई, अदरवाइज़ ये तो बात चलती रहती और लोग कुछ बोलते ही नहीं। जब मैंने ये वीडियो से आप लोगों को जागरूक किया, जब लोगों को बताया कि ऐसा हो रहा है, तब लोगों ने इस पर अभी भेजना बंद किया और ये सारी चीज़ें बंद हुई है। नहीं तो अगर ये अभी यहाँ पे विड्रॉल मिल गया होता तो आपके LCC की तो लोग बस तारीफ़ ही कर रहे होते, पर ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं ना। आपको भी पता है कि इतना जल्दी विड्रॉल मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है और ना ही आप दे पाएंगे, क्योंकि ये आपका ही है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। कसाना जी को भी नेक्स्ट ऑडियो के लिए उनके कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिल गए होंगे, जो कि ये हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आशा करते हैं कि इनके लिए कुछ अच्छा होगा और कुछ अच्छा हमें बताएंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देंगे ज़रूर। तो दोस्तों बस इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो शेयर करें, कसाना जी तक पहुँचाएँ, इनके लीडर्स तक पहुँचा दें। वैसे ये वीडियो तो पहुँच जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको पहुँचने में। तो बस आशा करते हैं कि हमारे इस विड्रॉल के बारे में कुछ अपडेट दें और इसके लिए कुछ करें। अगर ये विड्रॉल हमें मिल जाता है, हमारे बिटलाइट से विड्रॉल मिल जाता है, तो इससे बढ़िया हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ना तो हमें आपका रिफ़ंड चाहिए, ना हमें ये पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ से विड्रॉल दिला दो भाई, बस ख़त्म।
हमारी कोई आपसे कोई दुश्मनी है ही नहीं, हम तो अच्छा, हम तो बोलेंगे कि यार एलसीसी बहुत अच्छा है और सबको लगवाएंगे, सबको जुड़वाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट जब होगा, लोगों के पैसे 10 गुने होंगे, तो किसको नहीं जोड़ेगा आदमी, फिर डिमांड बढ़ेगी ना। आप जब दोगे ही नहीं, आप जब यहाँ से विड्रॉल ही नहीं दोगे, ये एक्सचेंज वाला विड्रॉल नहीं देगा, चलो माना आपका एक्सचेंज नहीं है, पर आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि आप जिसका भी पैसा जहाँ भी आप वो करते हो ले जाते हो, तो यहाँ पे आप जो है उसके पैसे निकलवाने की भी गारंटी लो। अगर आप नहीं लेते हो तो फिर आप लिस्ट क्यों कर रहे हो, पहले आपको टेस्ट करना चाहिए ना कि एक्सचेंज कैसा है कैसा नहीं है। जो अच्छे एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे कभी ऐसी इशू नहीं आती। आपको भी अगर क्रिप्टो करेंसी की इतनी नॉलेज है तो मुझे लगता है आपको पहले देखना चाहिए था ये BLC क्या है, BIJ क्या है, BLF क्या है, CRM क्या है, SLE क्या है, SWS क्या है, THB क्या है, आपको थोड़ा सा देखना चाहिए था। पर आप क्यों देखेंगे, क्योंकि ये आपका ही है, और लोगों को इतनी समझ तो थी नहीं, जो लोग इसके पीछे जागरूक हों और लोग आपसे पूछें, और आप शुरू से ही कहते आ रहे हैं ये आपका नहीं है, पर जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी उससे साफ प्रूफ होता है कि ये आपका ही है और आप ही इसको रन कर रहे हैं, इसके पीछे आपके अलावा कोई नहीं है। आपके अलावा कोई होता तो विड्रॉल देने का भी सोचता, जैसे सोलोमन ने भी दिया है, कई लोगों को विड्रॉल दिया है, मैंने उससे विड्रॉल लेके दिखाया, मैंने वीडियो में प्रूफ किया है, सोलोमन आपका नहीं था, विड्रॉल आया वहाँ से, लोगों ने विड्रॉल लिया है। तो बस मैं यही कहना चाहता था अपने वीडियो के माध्यम से, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक पहुँचे और लोग जो है जागरूक हों और वो सारे क्वेश्चंस जो है कर सकें और पूछ सकें इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि आज आपने जो है पैसे जो है 3 महीने पहले पहले लगाए थे, और वो 3 महीने के अगर आपने बिटकॉइन में लगाए होते तो आज आपने देखा 3 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ रेट पहुँच गया। तो इस तरीके की गलती है फ्यूचर में ना करें और संभल के रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारा पैसा फंसा रह जाता है और हम जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं 4 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और जिस जिसको विड्रॉल चाहिए है यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा तो आप विड्रॉल ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ठीक है।